आज के ज़माने में सबसे बड़ी परेशानी क्या है? बाहरी बीमारी इतनी परेशानी नहीं है, बाहरी रोग तो फिर भी ठीक हो जाएगा, सबसे बड़ी है चिंता। दिख रहा है कि सेठ जी ऑफिस में एक कुर्सी पे आंख बंद करके बैठे, दिख रहा है शांत है बाहर से, लेकिन भीतर सेठ जी से पूछो, भीतर का जो चित्त है वो चारों तरफ भागे घूम रहा है। वहाँ लॉस हो गया, ये हो गया, धंधे में बढ़ाऊं कैसे, अरे अब तो लॉकडाउन लग गया, अब क्या करूँगा, हाय हाय। इस लॉकडाउन में इतने लोग बीमारी से नहीं मरे जितनी चिंताओं से मरे गए, रोग से नहीं मरे, चिंता, अरे अब क्या होगा, अब कैसे होगा। कहावत है ना, चिंता किसके समान होती है, देखो कहा ना, प्रवचन कौन नहीं दे सकता, आप भी दे सकते हैं, सबको पता है चिंता चिता समान। आप भी कह दोगे, मैं भी कह दूंगी, चिंता चिता समान, कहने में क्या गया, पर आचरण किसने किया? क्या अब भी हमारे मन में चिंता है कि हाय हाय क्या होगा, अरे कैसे होगा? चिंता होती है किसके मन में, संसारी के मन में, पर जो भगवत भक्त होता है ना, नरसिंह मेहता, लाली का अपनी बेटी का भरने जाना है अपना मायरा, दो भाव हैं, एक में लिखा है भात भरने गए थे, भक्तमाल में भी कुछ लिखा है, और दो भाव हैं, जो भी हो, और बेटी के परिवार वालों ने माने ससुराल वालों ने लंबी चौड़ी लिस्ट बना के भेज दी कि इतना इतना सामान आना चाहिए हमारी अपनी पुत्री के लिए, जब भी आओ तो इतना सामान हो तभी आने। अब सामान ऐसा वैसा नहीं, लाखों का उस समय में इतना सामान लिख करके भेज दिया, पर नरसिंह मेहता चिंता में बावरे नहीं हुए, बस मजीरा लिया हाथ में और मजीरा लेके ठाकुर जी का नाम ले रहे, कोई कोई चिंता नहीं, हे प्रभु आज तक तूने संभाला, इज्जत जाएगी तो हमारी नहीं जाएगी, इज्जत जाएगी तो तेरी जाएगी। लगा दो पार नैया को, नहीं तो डूब जाएगी। लगा दो पार नैया को, और हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि तेरी शरण में हूं, मैं तेरी शरण में हूं। अब जो शरणागत होता है तो वो सोच लेता है कि इज्जत हमारी नहीं तुम्हारी जाएगी, लोग तुम पर प्रश्न उठाएंगे हम पर नहीं उठाएंगे, ऐसा सोच बस झांझ मजीरा ले नरसी तो दिन रात हरि नाम हरि भजन में ही लगे रहते। अब जब ठाकुर जी देखते हैं कि इसे मुझ पे इतना भरोसा है तो भला मैं इसके भरोसे को कैसे तोड़ दूं, तो प्रभु व्यवस्था बनाते हैं,
और व्यवस्था कैसी बनाई, ऐसी वैसी व्यवस्था नहीं बनाई कि थोड़ा बहुत चलो दे दें एक आध कुछ इसका काम कर दे, नहीं, करोड़ों रुपया का, करोड़ों रुपया का सामग्री वस्तु लेकर के ठाकुर जी स्वयं पहुंच गए हैं नरसी का बात पर। अगर नरसी चिंता करता तो क्या ठाकुर जी जाते कि चलो भगवान क्या सोचते हैं? देखो, एक छोटा सा कोई बालक हो, कोई 6 महीना साल भर का कोई बालक हो, 2 साल का कोई बालक हो, और वो गंदे वस्त्र पहन रखा हो, उसने गंदे कपड़े, तो पड़ोसी उसके गंदे वस्त्र देख के, उसका गंदा मुंह देख के क्या कहते हैं? अरे कैसी है इसकी मैया, इसको साफ नहीं रख सकती, अच्छे वस्त्र नहीं पहना सकती, थोड़ा ध्यान नहीं रख सकती। क्यों? क्योंकि अभी वो बालक माँ के शरणागत है। पर जब वही बालक 20 साल का 22 साल का हो जाए, फिर गंदे कपड़े पहने, तो फिर क्या उसकी मैया को दोष देंगे? एक 22 साल का बालक कल गंदे कपड़े पहनेगा तो लोग ये नहीं करेंगे कि इसकी माँ इसको संभालती नहीं, लेकिन अरे इसमें बुद्धि नहीं है क्या, कैसे वस्त्र पहन रखे? क्यों? क्योंकि अब वो बड़ा हो गया है, अब वो शरणागत नहीं है। शरणागति में यही लाभ होता है। शरणागति में सबसे बड़ा लाभ ये, अच्छे हैं या बुरे हैं, भक्त हैं या अभक्त हैं, लेकिन हैं तुम्हारे, गंदे बुरे जैसे हैं आपको संभालना पड़ेगा, ये है शरणागति। वहां चिंता खत्म हो जाती है, जिस चिंता से हम दिन रात जलते हैं ना, जो भीतर हमें जलाती रहती है, वो चिंता मिट जाती है। कब? जब हरि शरण में जाते हैं। इसलिए चिंता करे सो मिले बीमारी, मानसिक रोग बढ़ जाएंगे, शरीर के रोग बढ़ जाएंगे, बीपी भी बढ़ता है तो डॉक्टर कहते चिंता कम किया करो, शुगर बढ़ती है तो कहते चिंता कम किया करो। चिंता करे सो मिले बीमारी, पर चिंतन करे सो मिले बिहारी। अब चॉइस इज योर्स, अब आप आपको चुनना है कि आपको बीमारी चाहिए या बिहारी चाहिए, क्या चाहिए? वाह। और अभी देखना, अभी अभी थोड़ी सी भी कथा 5:30 से लेट हो जाए ना तो चिंता चालू हो जाएगी, आए हाय घर में कौन रोटी बनाएगा, है किसी का पशुधन होता पशु घर में बनाओ तो, अरे समय हो गया इसका उसका। पर चलिए कोई नहीं, इतना समय भी अगर आप भाव से चित्त से सत्संग को दे देंगे तो सत्संग से लाभ ही लाभ होगा। धीरे धीरे, कहा ना परिवर्तन धीरे धीरे होता है, अभी चिंता हो रही है, धीरे धीरे समय आएगा ठाकुर जी उस चिंता का भी हरण कर लेंगे, और फिर एकदम एकदम आनंद में जीवन। आनंद में जीवन किसका? जिसको कोई चिंता नहीं उसका जीवन आनंद में है, जिसको पास करोड़ों है उसका जीवन आनंद में नहीं है, इस गलत फहमी में मत रहना। आनंद में वो है जिसको किसी प्रकार की चिंता नहीं। होगा ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, हम कह देते हैं अरे हम तो गृहस्थी है महाराज, हम चिंता नहीं करेंगे तो क्या होगा। अरे गृहस्थियों की कथा सुनो ना भागवत, इसीलिए तो है। सुदामा गृहस्थी थे, नरसी गृहस्थी थे, एकनाथ जी गृहस्थी थे, पर गृहस्थ में रहकर के क्या भगवान की प्राप्ति कर ली? गृहस्थ जीवन का बहाना देकर के भगवान से भागिए मत। ब्रज में संत कहते हैं कि गृहस्थ से बड़ा और तो कोई भक्त हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जो साधु है बाबा जी, उसने तो सब कुछ त्याग दिया है, तो उसको मोह है ही नहीं, ना बीवी है ना बच्चे है, कोई नहीं। पर परिवार होते हुए भी जो भगवान से जुड़ जाता है, उससे बड़ा और कोई संत नहीं हो सकता, क्योंकि इतनी जिम्मेदारी थी, कदम कदम पर माया पकड़ने के लिए खड़ी थी, फिर भी उससे छूट के आगे निकल गए, इससे बड़ा आश्चर्य और क्या होगा। तो गृहस्थ जीवन की कोई बहाना नहीं लगाना चाहिए कि हम तो। अचंभा तो तब होता है, कई बार ऐसे लोग होते, 3 घंटे कथा हो गई सुन ली, उसके बाद घर गए, उनके घर थोड़ा कुछ प्रसादी वगैरह, फिर वहां कहते हैं कुछ सत्संग सुनाइए ना, उनका अभी तो सुन के आए हो 3 घंटे, बोले नहीं नहीं थोड़ा सा और, वो भी सुना दिया। अब सुनाने के बाद क्या बोलते, आपने बात तो बड़ी अच्छी कही पर क्या करें ना, परिवार वाले हैं ना, माया वाले हैं,
अरे तू तो पहले ही बता देते, 3 घंटे बोलते नहीं। ये बात ही बतानी थी कि भाई परिवार वाले ये तो पता ही है, और आप तो सत्संग इसलिए सुन रहे हैं ना कि सुने और फिर सुन करके उसमें से कुछ चुने, और चुन करके फिर धीरे 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 जीवन को सही दिशा की ओर लेकर के जाए। तो भगवान से निवेदन यही करिए कि प्रभु चाहे हम घर में रहें, परिवार में रहें, बाल बच्चों के साथ रहें, पर रिश्ता हमेशा जो एक कनेक्शन है वो आपसे जुड़ा रहे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण कौन है? यथा ब्रज गोपिका नाम, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ब्रज की गोपियां, जिनके जीवन में सब कुछ था जो हमारे जीवन में है। ब्याह हुआ, पति है, माँ है, बाप है, सास है, ससुर है, बच्चे, घर का काम है, भोजन बनाना है, दूध निकालना है, दधि मंथन का, सारे काम थे, सारे काम गोपी करती भी है, पर केवल शरीर से, केवल तन से। मन कहाँ है? मन एकमात्र अपने प्रियतम श्री ठाकुर जी के चरणों में लगा रहता है, वहां से ध्यान नहीं हटता, केंद्र वही है, केंद्र वही है। शरीर सब काम कर रहा है, जो परिवार कह रहा है वही शरीर कर रहा है, पर मन जो है, मन वो भगवान के चरणों में लगा है। अब लाल जी क्या कर रहे होंगे, अब हमारे ठाकुर जी गैया चराने जा रहे होंगे, अब आ रहे होंगे, अब अगर दोपहर का समय हो गया तो भोजन कर, ये सब चिंतन चलता रहता है। तो ये हमारे अंदर भी उतनी स्थिति में तो नहीं आ सकता, क्योंकि गोपी तो सन्यासी भी महापुरुष भी उनके चरणों की धूल बनना चाहते हैं, पर इतना तो प्रयास करना चाहिए कि समय समय पर दिन में कुछ समय तो ऐसा हो जब आपको भगवान का स्मरण हो, उनकी याद आए।